अध्याय 21 श्री गणेशाय नमः। हे अनंतवेश अविनाशी परेश ब्रह्मांडीपति, आपकी जय हो। हे भगवान, आपका नाम पतित पावन है, इसका विचार करिए। हे प्रभु, पापी जनों पर आपका अमित प्रेम होता है और पापी जनों ने ही आपकी महत्ता बढ़ाई है। पतित और पापी न होते तो आपका पतित पावन व हरिनाम कैसे पड़ता। इसलिए हे ऋषिकेश, मेरे पातकों की ओर न देखिए। जल में मल स्वच्छ होता है, इसलिए मैला कपड़ा जल के पास जाता है। हे गणेशी, पतितों का तिरस्कार मत करिए। क्या भूमि सौंदर्य वृक्ष को त्याग करती है? सौंदर्य वृक्ष में कांटे होते हैं। आप ही पतित पावन हो, आप ही पुण्यवान हो, फिर भी ये दोनों दोषों से आप अलग हो। जैसे सूर्य अंधकार का नाश करता है तो क्या उसको कुष्ठ पड़ता है? उसको तमनाश के लिए कुछ नहीं करना पड़ता। अंधकार जैसे जैसे सूर्य से मिलने आता है, वैसे वैसे वह स्वयं प्रकाश रूप हो जाता है और उसका तमस स्वरूप चला जाता है। हे नारायण, पापी और पुण्यात्मा, आप ही अपना श्रेष्ठत्व रखने के लिए निर्माण करते हो। कुछ भी हो, अब इस दासगण को चिंता रहित करके अपनी शरण में ले लो। आपके बिना इस संसार में मेरा कोई आश्रय नहीं है। हे पांडुरंग, सब कुछ आपके हाथ में है। श्रोतागण, अब सावधान होकर इस कलशाध्याय का श्रवण करिए। आप लोग महान भाग्यशाली है, सो संतकथा का श्रवण कर रहे हो, जिसकी एकनिष्ठ श्रद्धा श्री गजानन महाराज पर के चरणों पर हो गई है, उसके दुखों का संकटों का होली ही होती है। इसमें शंका का कोई स्थल नहीं है। मंदिर का शिखर बांधते समय एक गवंडी के हाथ तले एक मजदूर का काम कर रहा था। मिस्त्री को पत्थर देते समय उसका तोल चला गया और वह 30 फुट ऊंची से नीचे तांसे हुए पत्थर पर गिर पड़ा। उसको गिरते हुए लोगों ने देखा और सोचा कि इतनी ऊंचाई से गिरने पर इनकी मृत्यु निश्चित है, बचना कठिन है। किंतु आश्चर्य की बात यह हुई कि उस पर कहीं पर भी चोट नहीं आई। जैसे गेंद झलकर रखी जाती है वैसे ही हुआ। जैसे कोई सीढ़ियों से जमीन पर उतरता है वैसे ही उस मजदूर का हुआ। उसने लोगों से कहा कि जब मेरा तोल गया तो किसी ने मेरा हाथ पकड़कर भूमि पर खड़ा किया। भूमि पर मेरे पैर लगते ही वह अदृश्य हो गया। यह वृत्तांत सुनकर लोगों का अत्यानंद हुआ। समर्थ किसी का अभिशाप नहीं लेते। दैव योग से यह तेरे पतन का योग आया है। इस समय साक्षात समर्थ के हाथ का स्पर्श तुझे हुआ है। भला ऐसा किसी का भाग्य कहाँ है? सुनो, एक राजपूतिन बाई जयपुर से शेगांव आई। उसको पिशाच बाधा थी। उसको जयपुर में दत्तात्रेय जी ने सलाह दी कि इस रामनवमी के दिन तुम शेगांव जाओ। वहाँ पर संत गजानन महाराज जागृत दैवत है, वे मेरे पिशाच को मुक्ति देंगे। ऐसा दृष्टांत होने पर अपने दो पुत्रों को लेकर वह राजपुतानी शेगांव गई। प्रतिपदा से उस उत्सव का प्रारंभ हुआ और नवमी में अपार जन समुदाय इकट्ठा हुआ। सभा मंडप का काम चल रहा था और बड़े बड़े स्तंभ खड़े किए थे। ये सब संगमरवर के पत्थर के थे, जो हरेक स्तंभ 5 फुट का ऊंचा और 1.5 फुट चौड़ा था। उत्सव के कारण भक्तों ने काम बंद कर दिया था, स्तंभ केवल खड़े किए थे। श्री रामचंद्र का जन्म हुआ और प्रसाद के लिए प्रचंड जन समुदाय उमड़ पड़ा, जिसका वर्णन मुझे नहीं किया जाता। ऐसी भीड़ में वह राजपुतानी एक स्तंभ के आश्रय से खड़ी थी, किंतु उल्टा ही हुआ। वह स्तंभ उसके शरीर पर गिर पड़ा और वह स्तंभ के नीचे दब गई। सब लोग सोचने लगे कि वह दबकर मर गई। यह स्त्री पूर्ववत स्वस्थ होकर जयपुर गई और आनंदपूर्वक प्रपंच करने लगी। ऐसा स्वामी गजानन का अमित प्रभाव है। कहाँ की है, कौन है, इसके 2 बच्चे भी नीचे दबे दिखते हैं। इस 10-20 जनों ने मिलकर स्तंभ उठाकर और उसके मुंह में जल डाला तथा उपचारार्थ महिला चिकित्सालय में भेजा। उस समय सईबाई मोटे चिकित्सालय में लोबो नामक एक क्रिश्चियन महिला चिकित्सक थी। उस काल में वह प्रसिद्ध शल्य चिकित्सक थी। उसने उस राजपूतनी पर सामान्य उपचार करके भेज दिया और कहा कि इसे कभी भी कहीं पे भी चोट नहीं आई है, वह स्वस्थ है। यह लोबो यीशु सृष्ट की बड़ी भक्त थी। वास्तव में यह आश्चर्यकारक घटना थी कि इतना बड़ा वजनदार स्तंभ उस पर गिरा और उसे बिल्कुल चोट नहीं आई। उसका शरीर कैसे सुरक्षित रहा? उस घटना का कारण शायद यह है कि जो स्तंभ गिरा उस पिशाच को मुक्ति करने के लिए गजानन महाराज ने गिराया। यद्यपि लोगों को दृष्टि से दुष्ट वह स्तंभ राजपूतिन के शरीर पर गिरा, किंतु वह उस पर गिर ही नहीं। उसके शरीर में जो पिशाच था उस पर गिरा और वह मुक्त हो गया।
वह स्त्री पूर्ववत स्वस्थ होकर जयपुर गई और आनंदपूर्वक प्रपंच करने लगी। ऐसे स्वामी गजानन का अमित प्रभाव है। ऐसे ही एक उत्सव के समय मंडप खोलते समय नाइक नवरे नाम के व्यक्ति पर एक बड़ी बल्ली गिर पड़ी। वह बड़ी बल्ली थी, किंतु महाराज की कृपा से नाइक नवरे को बिल्कुल कहीं पे भी चोट नहीं आई, वे बाल बाल बच गई। कृष्णाजी पाटिल के पुत्र रामचंद्र पाटिल, जो महाराज के परम भक्त थे, इन्होंने अंत तक मंदिर का कार्य वहन कर महाराज की सेवा की। इनके घर पर एक रोज मध्यान्ह में समय एक साक्षात्कारी गोसाई के रूप में आए और रामचंद्र पाटिल को आवाज़ दी कि मुझे भूख लगी है, कुछ अन्न खाने को दोगे क्या। पाटिल बड़े भाविक वृत्ति के थे, गोसाई की आवाज़ सुनकर बाहर आए। जब सूक्ष्मता से निरीक्षण करके देखा तो वह इस निश्चय पर पहुंचा कि हो न हो ये गजानन महाराज ही है। गोसावी का हाथ पकड़कर घर में लाकर पीढ़े पर बिठाया और यथाविधि पूजन किया। गोसाई ने पाटिल से कहा, बच्चा आज मैं जानबूझकर तुम्हें कुछ बताने के लिए आया हूँ, ध्यान देकर सुनो। ग्रीष्म काल में गोदावरी का जल थोड़ा सूख जाता है, वैसे ही यह हुआ है। तुम ऋण की चिंता मत करो, वह समाप्त हो जाएंगे। संपन्नता की बाढ़ आएगी, श्रीहरि की कृपा से पेग वर्षा से सब होगा। जहाँ पर मेरा जुटन गिरता है वहाँ किसी चीज़ की न्यूनता नहीं होती। थाल परोस कर लाओ, सुग्रास भोजन दो और इच्छा हो तो एकाद वस्त्र शरीर पर डालो। याचक की हुई पूजा और दक्षिणा, उसे दिया हुआ अन्न साक्षात नारायण को प्राप्त होता है, क्योंकि श्रुति कहती है अतिथो देवो भव, किंतु वह अतिथि शुद्ध होना चाहिए, उसके बिना यह कौतुक असंभव है। पाटिल ने थाल परोस कर लाया और गोसाई में बड़े प्रेम से भोजन किया। उस पर उसके हाथ पर पाटिल ने दक्षिणा के रूप में 5 रुपये रखे। तब गोसाई ने कहा, पाटिल हम बैरागी हैं, यह दक्षिणा मुझे नहीं चाहिए। दक्षिणा के रूप में आप वचन दीजिए कि गजानन मठ का कार्यवहन तुम करोगे, यही मेरी दक्षिणा है, इसे बताने के लिए मैं आया हूँ। समर्थ सेवा रूप दक्षिणा देने वाला तुम्हारे बिना दूसरा वर्तमान से कोई नहीं है। तुम्हारी पत्नी जो बार बार बीमार पड़ती है, वह भी इस दक्षिणा से व्याधि मुक्त हो जाएगी। तुम अपने पुत्र को बुलाओ, उसके गले में एक ताबीज़ बांधूंगा जिससे उसे कोई बाधा नहीं होगी, क्योंकि सत्ता संसार में बैरक मूल है, पानी ही पानी का शत्रु होता है। तुम्हारी पाटिल की वतनदारी अवश्य संभालो, वह एक प्रकार का कवच है, उसका उपयोग बड़ा संभल कर करना, किसी का द्वेष मत करना और सन्नीति नहीं छोड़ना, वर्तमान शासन के विरुद्ध कभी न जाना, उसी प्रकार दाम्भिक और संतों की पहचान करके व्यवहार करना। ऐसा आचरण करने पर साक्षात लक्ष्मीपति तुम्हारे ऋणी रहेंगे, यह मेरा वचन सत्य समझो। आवक के अनुसार खर्चा करो, संत का अपमान करने पर ईश्वर का कोप होता है, सो सच्चे संत का कभी अपमान न करना। संत चरणों में प्रेम करो, अपने वंशजों की न्यूनता मन में कभी न रखना। बाहर देखने को भले ही क्रोध करो, किंतु हृदय में दया रखना। जैसे कटहल के फल पर ऊपर कांटे होते हैं, किंतु अंदर मधुर और पुष्टिगीर होता है। मैं सदैव तुम्हारे पीछे खड़ा हूँ, ऐसा कहकर गले में ताबीज़ बांधकर गोसाई रास्ते पर चल पड़ा और अदृश्य हो गया। पाटिल ने सोचा कि स्वयं गजानन महाराज ही मुझे उपदेश देने गोसाई रूप में आए थे। रात्रि को स्वप्ने में आकर पाटिल की शंका का निवारण किया। ऐसे ही श्री गजानन महाराज भक्तवत्सल है। यह गजानन महाराज का चरित्र परम पवित्र तथा तारक है, किंतु दृढ़ निष्ठा होनी चाहिए। अब ग्रंथ की अवतरणिका देता हूँ, पूर्ण सावधान होकर सुनो, समय मत बिताइए। पहले अध्याय में मंगलाचरण और गुरु वंदना के पश्चात महाराज के पूर्व चरित्र के बारे में बताया और माघवद्य सप्तमी को देवीदास के घर के पास प्रकट होना और चाणाक्ष वेंकटलाल और दामोदर द्वारा उनका परीक्षण बताया है। दूसरे अध्याय में गोविंद बुवा के कीर्तन में महाराज का आकर बैठना, पीताम्बर का चमत्कार और महाराज का वेंकटलाल के घर जाना वर्णन किया है। तीसरे अध्याय में गोसाई द्वारा गांजा अर्पण का संकल्प, उसकी पूर्ति और तब से मठ में गांजा की प्रथा का वर्णन किया है। जानराव देशमुख का संकट टालना, तीर्थ द्वारा मृत्यु के प्रकार विस्तार पूर्वक बताकर विठोबा घाटों को महाराज ने ताड़न किया, वह कथा यह कही है। चतुर्थ अध्याय में जानकी राम ने चिलीम के लिए अग्नि नहीं दिया, उनके चिंचड़ी में कीड़े पड़ना, अन्न का व्यर्थ होना, प्रार्थना के बाद उसको क्षमा और पूर्ववत अन्न होना तथा जानकी राम महाराज का भक्त हो गया, उसी प्रकार घड़े में रखे गोजिया
की कथा का वर्णन किया है। चिंचोली में माधव को यमलोक बताकर मुक्त करना, शिष्यों को तद्वारा वसंत पूजा इत्यादि का वर्णन है। पांचवें अध्याय में महाराज का पीपल गांव में शिव मंदिर में बैठना, गोपालों का पूजन, महाराज को पिंपल गांव ले जाना तथा बंकटलाल का वहां जाकर महाराज के वापस शेगांव लाना बताया है। अकोली में महाराज का जाना, सूखे कुएं को जलपूर्वक करके भास्कर की भ्रांति नष्ट करना, उसका महाराज साथ शेगांव आना बताया है। छठे अध्याय में मकई के भुट्टे खाने के लिए महाराज का जाना, मधुमक्खियों का विक्षोभ, महाराज को उसकी बाधा न होना, बंकटलाल की शिष्यत्व परीक्षा, योग समर्थ से मधुमक्खियों के कांटे निकालना, आकोट के नरसिंह जी को महाराज का मिलने जाना, उससे वार्तालाप, चंद्रभागा के किनारे वज्रभूषण पर कृपा करना, हनुमान जी के मंदिर में श्रावण मास में उत्सव में महाराज को रोहिणी को आना इत्यादि का वर्णन है। सप्तम अध्याय में हरि पाटिल की उद्दामता, उसका गर्भहरण, हरि पाटिल को मल्ल विद्या का प्रत्यंतर बताना, गन्ने का चमत्कार बताकर खंडू पाटिल को भिका नाम का पुत्र देना बताया है। आठवें अध्याय में पाटिल के विरुद्ध देशमुख के बैर का वर्णन है। पाटिल के विरुद्ध देशमुख ने दी हुई अर्जी, उसका निर्दोष छुटना और तेलंगे ब्राह्मण को वेद पठन की शुद्धि बताकर संकेत से अपना परिचय देना, कृष्णा जी के मल्ले में शंकर मंदिर के पास निवास, नयनम चिद्यति श्लोक का प्रात्यक्षिक बताया, ब्रह्मगिरी गोसावी का गर्भवरण बताया, जलते पलंग की कथा का वर्णन आठवें अध्याय में वर्णित है। नवें अध्याय के उद्दाम घोड़े को सरल करना, गांजा की कथा, दास नवमी के उत्सव के समर्थ रूप में बालाकृष्ण के घर जाना, उसको समर्थ रूप में दर्शन देना आदि कथाएँ हैं। दसवें अध्याय में अमरावती की कथा है, गणेशाप्पा चंद्राबाई का महाराज के चरणों में संसार का अर्पण, बाला भाऊ की उपरती, गणेश दादा खापड़े को आशीर्वाद और बाला भाऊ को छाते से मारने की कथा है, सुखलाल की उदंडत गाय को गरीब करना, घोड़े की दाम्भिक भक्ति का वर्णन किया है। ग्यारहवें अध्याय में भास्कर को श्वानदंश, त्र्यंबकेश्वर दर्शन को महाराज का जाना, गोपाल दास का मिलना, जाम सिंह की प्रार्थना स्वीकार कर अड़गांव जाना, उसी प्रकार भास्कर का निज धाम गमन, द्वारकेश्वर के पास सतीबाई के पास उसका देह रखना, कागो को आज्ञा और गणु जवरे की सुरंग उड़ने पर कुएं में रक्षा करना आदि कथाएं कही है। शेठ बच्चूलाल की कथा भी इसी में है। बारहवें अध्याय में महाराज की निश्चिता, पीताम्बर स्वामी के वस्त्र पहनाना, उसको स्वेच्छा से कुंडली में जाना, वहाँ उसका स्थिर होना, प्रवाह समाधि ग्रहण करना, उसके मठ की स्थापना आदि का वर्णन है। श्री गजानन महाराज के रेती की गाड़ी में बैठकर नए मठ में आना, यही वर्णन भी है। तेरहवें अध्याय में गोसाई के गलित कुष्ठ का नाश किया है, गजानन महाराज ने बंडुदाता को धन बताकर उसको ऋणमुक्त करना, जाम सिंह द्वारा महाराज को मुनगांव ले जाना, परजन्य के भंडार का विक्षेप, जाम सिंह द्वारा अपनी इस्टेट महाराज को अर्पण करना, पुंडलिक की सन्निपातिक ज्वर की ग्रंथि का बैठना आदि का वर्णन है। चौदहवें अध्याय में सौमती अमावस्या को नर्मदा स्नान के लिए जाना, स्वयं नर्मदा द्वार फुटी नौका किनारे लगाना का वर्णन है। माधवनाथ का बीरा भेजने की भी कथा यहीं पे है। पंद्रहवें अध्याय में शिव जयंती निमित्त अकोला की सभा में बाल गंगाधर तिलक को आशीर्वाद कोल्हटकर द्वारा उन्हें रोटी प्रसाद रूप में भेजने की कथा है। श्रीधर काले को विलायत जाने से रोकना आदि कथाएँ है। सोलहवें अध्याय में पुंडिक को अन्य गुरु करने से रोकना, अंजनगांव में सपने में आदेश, पादुकाओं का प्रसाद देना, कवर की रोटी भाजी का भोजन कराना, तुकाराम के छर्रे का उसके कान में से गिरने की कथा वर्णित है। सत्रहवें अध्याय में विष्णुसा के घर मलकापुर जाते समय ट्रेन के अंदर हुआ वृत्तांत, पुलिस द्वारा अभियान और नग्नता के लिए भास्कर को दंड, मेहताब शाह को पंजाब भेजना, हिंदू यमनों की एकता के लिए उपदेश, बापूराव के पत्नी की भानामती बाधा का निवारण वर्णन किया है। अठारहवें अध्याय में आकोट के गंगा भारती की भेंट, बायजा गोलन की कथा का समावेश है। महाराज का पंढरपुर जाना, बापूना काले को विठ्ठल दर्शन, कौठे बहादुर के वारकरी की विश्वचिका से प्राणों का रक्षण आदि का वर्णन है। उन्नीसवें अध्याय में काशीनाथ पंत को आशीर्वाद देना, नागपुर के गोपाल बुटी द्वारा महाराज को नागपुर ले जाना, महाराज को वहाँ रखना, हरि पाटिल द्वारा महाराज को वापस शेगांव लाना, धार कल्याण के रंगनाथ,
साधु की भेंट, वासुदेवानंद सरस्वती की शेगांव में महाराज की भेंट, बाला बहु का संशय निराकरण, खलिहान की राशि का संरक्षण, नारायण नाम हवालदार का, महाराज को बालापुर में ताड़न करने के कारण उसकी मृत्यु, जाखड़े का विवाह, निमोनकर को कपिल धारा पर दर्शन, तुकाराम द्वारा अपना नारायण नाम का पुत्र महाराज के सेवार्थ अर्पण करने की कथा और भाद्रपद माह में आधुनिक काल के महर्षि का समाधिस्थ होने की कथा वर्णन है। 20वें अध्याय में समाधि ग्रहण के बाद जो चमत्कार हुए उनका वर्णन है। जो जो भाविक एक निष्ठा से महाराज की सेवा करते हैं उन्हें महाराज अभी भी दर्शन देते हैं। 21 अध्याय सबका कलश रूप है, जो सब अध्यायों का सार रूप है। भक्तों ने बड़ी मेहनत से चंदा जमा करके इतना सुंदर समाधि का काम किया है, जो भूमि पर कहीं नहीं है। चारों ओर धर्मशालाएं हैं। इस भव्य कार्य में कई नए सहायता की है। उनके नाम गिनने पर ग्रंथ का बहुत विस्तार बढ़ेगा, किंतु जो प्रमुख थे उन थोड़ों का नाम बताता हूँ। कुखाजी पाटिल का पुत्र हरि पाटिल, सांगवी गांव का बनाजी, उमरी गांव का गनाजी और मेसाजी वटवाड़ी का, लाड़े गांव का गंगाराम, भागुनंदू गुजाबाई, आकोला की बनाबाई जो सिखदेव पाटिल की माता थी, इन्होंने हजारों रुपये दी। रामचंद्र कृष्णा जी पाटिल, दत्तू भिका जी पाटिल, पलासखेड़ के सुखदेव जी और शेगांव का मारतंड गणपति पाटिल, बालचंद्र का रतनलाल और पंचगवान का दत्तूलाल, उसी गांव का बिसनलाल और टाकड़ी गांव का अबर सिंह किशन बेल मंडेलकर, हसनापुर का रहने वाला गंगाराम विठोबा पाटिल सावरेकर, इन दानशूर लोगों ने बड़ी बड़ी रकमें देकर मठ का काम पूर्ण किया। ये सब समर्थ के परम भक्त थे। कोठिया, कार्यालय, रसोईघर इत्यादि समाधि के चारों ओर बांधे हुए हैं। लोगों ने जो चंदा दिया था सो सब इन कामों में खर्च हो गया और बहुत से काम अधूरे रहे थे। सो इस प्रकार की युक्ति की समर्थ के इस कार्य के लिए लगान पर एक आना अधिक धार्मिक कर के रूप में लगाया। वैसे ही बाजार में बिक्री के लिए आने वाली गाड़ियों पर 2 पैसे कर लगाया, जो अति सामान्य होने से लोग बड़े हर्ष से देते थे। आज तक समाधि के सामने हजारों स्वाहाकार हो गए। उनमें 4 बड़े बड़े सर्वश्रुत है। किशनलाल शेठ ने ब्राह्मणों के द्वारा एक शतचंडी अनुष्ठान भी करवाया। शतचंडी का अनुष्ठान बड़ा कड़क और कठिन होता है। थोड़ी सी भी न्यूनता से विपरीत परिणाम होते हैं, क्योंकि जगदम्बा कालिका को कम ज़्यादा बिल्कुल नहीं चलता। किशनलाल के पिता वेंकटलाल पहले से ही महाराज के परम भक्त थे। इस शतचंडी के पूर्णावृति के दिन वेंकटलाल को बड़ी प्राणांतिक व्याधि उत्पन्न हो गई। सब लोग घबरा गए कि पूर्णावृति के दिन इस शतचंडी अनुष्ठान में विपरीत विघ्न कैसे हो गए। वेंकटलाल ने किशनलाल अपने पुत्र से कहा, घबरावने का कोई कारण नहीं है, मेरे रक्षक पुण्यराशि यहाँ बैठे हैं। ऐसा कहकर यह समाधि के पास जाकर बैठ गया। पूर्णावृति का काम करो, सब ठीक हो जाएगा। मेरे स्वामी साक्षात यहाँ बैठे हैं, वो भक्तों का संरक्षण करते हैं, कभी विघ्न नहीं आने देंगे। आगे चलकर वह सत्य हुआ। व्याधि शांत हो गई और इस शतचंडी में एक स्त्री का पिशाच बाधा ठीक हो गई। बनाजी तिड़के करके संगमवी के रहने वाले, इन्होंने यहाँ स्वाहाकार किया। कसूर की गुजाबाई नामक स्त्री ने भी स्वाहाकार कराया था। उसी प्रकार चापड़ गांव के रहने वाले वामन श्यामराव ने पुत्र के समाधि के सामने यज्ञ करवाया था। ऐसा हजारों धर्मकृत्य समाधि के सामने हुए। सत्य सत्य है कि गजानन महाराज साक्षात्कारी है। जब तक लोग निष्ठावान थे तब तक बराड़ सुखी था। जैसे जैसे निष्ठा कम होती गई वैसे वैसे बराड़ को विपन्नावस्था आ गई और उसी चांडाली किसने दारिद्र माला बराड़ को पहनाई। बराड़ की उर्वरा भूमि में पैदावार काम कर दी। नई हवा बहाने के लिए जिसमें श्रद्धा शिथिल हो गई और बराड़ दुर्दशा को प्राप्त हुआ। महाराज को यह दुख असह्य हो गया, इसलिए उन्होंने अपने को जल में डुबा लिया, जिससे ऐसे लगता है कि महाराज ने क्रोधित होकर यह जल निर्माण किया है। यदि बराड़ के लोगों ने मन में पूर्ववत सुख संपन्नता हो ऐसी कामना है तो सबको महाराज के चरण में दृढ़ श्रद्धा रखकर उनकी सेवा करनी चाहिए। यदि ऐसा नहीं करेंगे तो इससे भी ज़्यादा विपन्नावस्था बराड़ की होगी। इस गजानन रूपी भूमि में जो जो आप बोएंगे वही बहुत होकर आपको प्राप्त होगा। यही पत्थर पर बीज डाला जाए तो क्या वह झाड़ उत्पन्न होंगे, इसका विचार करो। जो जो प्रांत संत सेवा से विन्मुख होता है वहाँ अकाल और आपत्ति पड़ती है। धर्म श्रद्धा वह बाघिन है, बाघिन के समान है। यदि वह मन रूपी कगार छोड़ देती है तो दुर्वासना रूपी सियार को वास अवश्य होगा।
भक्ति यह पवित्र स्त्री है, अभक्ति वारांगणा है, जिसके हाथ से भला कभी किसी का कल्याण हुआ है। सन्निति मत छोड़िए, धर्म श्रद्धा मत छोड़िए, परस्पर प्रेम भाव रखिए तो ही शक्ति बढ़ेगी। यदि आप लोग इस प्रकार का आचरण करेंगे तो बराड़ में अच्छे दिन प्राप्त होंगे। वर्ष में कम से कम एक बार श्री गजानन महाराज का दर्शन लीजिए और वर्ष में कम से कम एक बार गजानन चरित्र का पाठ कीजिए। इस विंशति अध्याय वाले गजानन चरित्र रूपी मोदकों का नैवेद्य श्री गजानन महाराज को अर्पित कीजिए। ये सब अध्याय 21 डुबके गुच्छ पारायण करके महाराज को चढ़ाइए। मानव का जो सद्भाव है वही चतुर्थी का दिन है और प्रेम रूपी चंद्र का उदय तो हो तो ही महाराज को नैवेद्य चढ़ेगा। विद्वत जनों के बाद में इस ग्रंथ के एक एक अक्षर को डुबके अंकुर समझ के और पारायण रूपी व्रत से महाराज को चढ़ाइए और इस ग्रंथ का जो अर्थ है वही मोदक है। सो अविलंब महाराज को चढ़ाकर पर्व साधन करिए। यह ग्रंथ कादंबरी नहीं है, यह श्री गजानन महाराज की सत्य लीला है। जो इस पर अविश्वास करेगा वह अवश्य डूबेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। यह गजानन चरित्र जो नियमपूर्वक पठन करेगा उसके सब मनोरथ गजानन कृपा से पूर्ण होंगे। श्री गजानन चरित्र यही ग्रंथ है और इसके अंतर्गत जो कथाएँ हैं वह शीतल पवित्र भागीरथी जल है और मराठी ओवियों का मानव तरंग है। यह स्वामी चरित्र कल्पवृक्ष है और अध्याय जो है वह कल्पवृक्ष की शाखाएँ है। पद्मरचना वही इसके पत्य है। जो इस कल्पवृक्ष में भाव रखेगा उसे स्वामी दर्शन होंगे और संकट समय में उसका रक्षण करने में समर्थ अवश्य आएंगे। जिस घर में इस गजानन चरित्र का पाठ नित्य होगा वह चिरकाल लक्ष्मी का निवास होगा। यह ग्रंथ साक्षात चिंतामणि है। जो भी आप चिंतन करेंगे वैसा फल आपको अवश्य मिलेगा, किंतु मन में दृढ़तर विश्वास होना चाहिए। दरिद्र को धन संपत्ति होगी, रोगियों को रोग नष्ट होगा, साध्वी स्त्री का वंदित्व दूर होकर पुत्र प्राप्त होगी, निपुत्र को पुत्र प्राप्ति और निष्कपट मित्र प्राप्ति होगी। इस ग्रंथ के बटन से तिल मात्र भी चिंता नहीं रहेगी। दशमी एकादशी द्वादशी को जो ग्रंथ पठन करेगा उसको श्री गजानन कृपा से अनुपम भाग्य प्राप्त होगा। जो कुरुपुष्य योग पर शुचिर्भूत होकर एक आसन में बैठकर पाठ करेगा उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होकर किसी भी प्रकार की यातना हो वह दूर होगी। जिस घर में यह ग्रंथ रखा होगा वह कभी भी विषाज या ब्रह्म संबंध प्रवेश नहीं हो सकता, ऐसा इस ग्रंथ का महात्म्य है। जो भाविक है उनको अवश्य प्रचिति प्राप्त होगी। जो दुष्ट हृदय या कुटिल है उनको इसकी अनुभूति असंभव है। जैसे मानसरोवर की उत्पत्ति रचना हंसों के लिए है, को का वहाँ प्रवेश नहीं होता, उसी प्रकार यह स्वामी चरित्र मानस सरोवर है। संत सज्जन जो राजहंस होते हैं उन्हीं का इसमें प्रवेश होता है। जैसे पूर्व काल में ज्ञानेश्वर, मीराबाई, नरसिंह मेहता, कबीर, नामदेव, सांता माली, चोखा कुम्हार, गोरा कुम्हार, बोधला और दामाजी, उम्बरखेड़ में एकनाथ, अमलनेर में सखाराम, नासिक में देव मामलेदार, यशवंत और हुमनाबाद में माणिक प्रभु हो गए, वैसे ही बराड़ में, शेगांव में श्री गजानन महाराज हो गए हैं। उनमें और इनमें कोई अंतर नहीं है। अंत में आप सब भाविकों को यह प्रार्थना है कि श्री गजानन चरणों में अत्यंत प्रेम रखिए, जिससे आप सबका जन्म मरण का चक्कर छूट जाएगा और आप लोग इस दुस्तर भवसागर से पार करेंगे। हे स्वामी दयागन, आपको मेरे लिए करुणा उत्पन्न हो और दासगणों की सब यातनाएं कृपा करके निवारण करिए। मैं आपका भाट हो गया हूँ, मुझे सन्मार्ग बताइए और मेरे मन में दुर्वासनाओं के प्रति तिरस्कार निर्माण कीजिए। आमरण वारण होती रहे, संत चरणों में अखंड प्रेम हो, सदैव गोदावरी पर मेरा निवास हो, मेरा अभिमान आप रखिए और दासगणों को अन्य की याचना करने का प्रसंग न लाइए। मैं सब संतों की चरण धूली हूँ, मेरी लाज रखिए। पदर पसार कर मैं यह वरदान आपसे मांगता हो। जैसे आपने प्रेरणा की वैसे ही मैंने लिखा। यह आपका चरित्र लिखते समय शेगांव के मठ में जो कागज पत्र उपलब्ध थे वह रतन सा ने मुझे लाकर दिए, उन्हीं के आधार पर मैंने यह ग्रंथ लिखा है। कहीं पर भी इसलिए कम ज़्यादा के लिए मैं कारण नहीं हूँ। यदि इसमें कुछ कम ज़्यादा हुआ हो तो गजानन मुझे क्षमा करे, यही प्रार्थना है। शके 1861 प्रमाथी नाम संवत्सर में चैत्र शुद्ध प्रतिपदा को यह ग्रंथ कलश को पहुँचा। शेगांव में वह समर्थ गजानन ने पूर्ण किया। बुधवार प्रहर प्रथम को स्वस्ति श्रीदासगणों विरचित
यह गजानन विजय ग्रंथ भाविकों के लिए नौका स्वरूप हो, इस भवसागर को तरने के लिए। शुभम भवतु श्री हरिहरार्पणस्तु इति श्री गजानन विजय ग्रंथस्य एकविंशति अध्याय समाप्त। जय श्री गजानन, जय श्री गणगणगणातवोते, जय श्री गुरुदेव दत्त, जय श्री श्रीपाद श्री वल्लभ महाराज की जय, श्री नृसिंह सरस्वती महाराज की जय, सब संतन की जय।